हेलो एवरीवन स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आप उत्तराखंड में उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं आप यू के लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भी ज़रूर भरना चाहिए अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं तैयारी की बात यह है कि अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया था कल से आप ये फॉर्म भर पाएंगे कल है चौदह तारीख चौदह सेप्टेम्बर दो तो यहाँ फॉर्म भर पाएंगे लास्ट डेट है तेरह दस दो यानी कि अक्टूबर तेरह ठीक है ना तो यहाँ पर लास्ट डेट और पहली डेट जो मैंने आपको कल से बताई है आप अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की इन पोस्टों के लिए इन नौकरियों के लिए क्या है पूरा ये नोटिफिकेशन ये मैं आपको डिस्कस करूंगा आपको मैं ये बताऊंगा कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है इसमें जॉब क्वालिफिकेशन क्या मांगी है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके लिए और कितना सैलरी की ये जॉब है कितने की नौकरी है तो हम सारी बात करेंगे इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन पर आपको बताता हूँ मैं कि सबसे पहले तो देखो रेलवे की नौकरी है रेलवे की नौकरी किस्मत वालों को मिलती है मान करके चलिए तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाला है रेलवे का पूरा नोटिफिकेशन है आइए बात करते हैं कि इस रेलवे नोटिफिकेशन में सबसे पहले क्या आपको देखने को मिलता है तो देखो सबसे पहले बात करते हैं तो वो व्यक्ति जो 18 से छत्तीस साल तक का है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जो नॉर्मल एज होने वाली है वो होने वाली है अट्ठारह से तैंतीस साल के बीच में ठीक है ना इसी हिसाब से वैकेंसी हैं कई सारी तो हम एक एज का हमने देख लिया कि अट्ठारह से तैंतीस है अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये बात सैलरी की हो रही है क्या सैलरी की हो रही है जहाँ पर लेवल छः लिखा हुआ है लेवल पाँच लिखा हुआ है मैं बता दूँ लेवल छः जो है ना दोस्त वो है बयालीस ग्रेड पे अगर बयालीस सौ जी पी की जॉब है तो लगभग आपके अकाउंट में पहले मंथ की जो सैलरी होगी वो फिफ्टी फाइव के अराउंड आएगी पचपन से साठ हज़ार के अराउंड आएगी और वो फिर उसके बाद बढ़नी है इंक्रीज़ होनी है तो अगर लेवल पाँच की जॉब है लेवल पाँच की है तो मतलब मान लीजिए लगभग लगभग पचास हज़ार के आसपास अमाउंट आपका बनेगा तो ये सारी चीज़ें हैं बाकी वेरिएशन करता है कि कहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टोटल वैकेंसी ज़रा ध्यान से देखना आठ हज़ार आठ हज़ार एक सौ तेरह क्या नंबर है तेरह तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया है आठ हजार एक सौ तेरह टोटल वैकेंसी है इसमें स्टेशन मास्टर रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी गुड्स ट्रेन मैनेजर की नौकरी और कम टिकट सुपरवाइजर मतलब एकदम मालिक हैं ये लोग स्टेशन के आ रही है आपको बात समझ में जो उस समय पर वहां पर ऑपरेटिंग सब चीजें कंट्रोल करते हैं सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की भी यहाँ पर पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट तो ये पांच पोस्टें हैं जो आपने देखनी है टोटल वैकेंसी कितनी बताई मैंने आठ ठीक है अब इस वैकेंसी के बारे में और मैं आपको बताता हूं कि क्या चीजें क्वालिफिकेशन आप कैसे देखेंगे तो ध्यान से समझना है ना अगर यहां पर देखा जाए जब फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई तो ये वाला पॉइंट आपने पढ़ना है ताकि आपको जो एलिजिबिलिटी कंडीशन हैं उसके बारे में पता चल सके वो मैं आगे, आगे आपको समझाने वाला हूं अब यहाँ पर क्या देखेंगे अब यहां पर यह देखेंगे कि ऐसे आप जब नोटिफिकेशन आगे जाते हैं तो आपको यह पता चलता है कि ये जो आर आर बी है आपको हर आर आर बी बोर्ड के साथ मतलब अगर आप एक बोर्ड चूज करते हैं तो आपको वहीं से ये भरना है आप बोर्ड चेंज नहीं कर पाएंगे ठीक है आपने ये भरना है उसके बाद इसमें मेडिकल अच्छा खासा होता है बात करते हैं इसके एग्जाम की भी मैं बात करूंगा पूरा का पूरा तो देखो एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है सबसे पहले तो आपको उन लोगों से सावधान रहता है जो जो कहते हैं कि भैया हम नौकरी लगवा देंगे स्टेज ऑफ एग्ज़ाम क्या है ध्यान से देखना रहे हैं दियर शिल बी टू स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कैसे सबसे पहले एक होगा सीबीटी बी वन फिर साइकिल जो टीएसटी होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा ये सब चीजें ठीक है थीके? जहां पर जरूरी है टाइपिंग टेस्ट हर पोस्ट के लिए नहीं है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर ये होगा यानी कि तीसरा एग्जाम है आर ए क्या बात समझ में तो इस तरीके से ये चीजें होंगी आपको आरआरबी के हिसाब से अप्लाई करना है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेजेस आर आरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज सीवी टी सेल बी डन एट द रेट ऑफ फिफ्टीन टाइम्स लिखा हुआ है पंद्रह टाइम पंद्रह गुना लिया जाएगा ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे उसके बाद आठ गुना लिया जाएगा जब आपके लिए कोई स्पेशल स्किल टेस्ट को आपके लिए बुलाया जाएगा नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग याद रखना कि और एग्जाम में वन फोर होती है यहां पर एक बटा तीन नेगेटिव है जो कि बड़ा कमाल का नंबर है ठीक है चलो आ जाओ अब बात करते कट ऑफ लगभग इसका कम जाता है जनरल इंस्ट्रक्शन है तो वो छोड़ देते हैं ठीक है यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ लास्ट डेट तेरह है यही मैंने आपने बताना है इसके बाद मैं एक चीज़ बता रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर तो पोस्ट प्रेफरेंस आप सबसे पहले उसको पोस्ट प्रेफरेंस में रखिएगा जो लेवल छः की हो है ना मेडिकल स्टैंडर्ड कलर कलर ब्लाइंड आपको नहीं होना चाहिए कलर ब्लाइंड अगर आप नहीं है तो आप रेलवे में आराम से आप सिलेक्ट हो सकते हैं ज़्यादा इशू नहीं आता है ठीक है इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूँ पहले फटाफट से हाँ मेडिकल के लिए अगर किसी को मेडिकल इशू है तो भाई देखो ये कलर जो विजुअल जो विजुअल स्टैंडर्ड है ना वो मेंटेन कर लेना थोड़ा सा सिक्स बाय नो सिक्स बाय नो विदाउट ग्लास ये चलेगा ठीक है ना ए टू ए थ्री के हिसाब से डिस्क्राइब किया गया अगर किसी को चश्मा लगाए तो उसके लिए थोड़ा सा फिर है कि उसको चेक कर ले मैं इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको ये बताने वाला हूं यहाँ पर कि एज लिमिट के बारे में तो देखो एज लिमिट वही मैंने बताई थी अंतिम तैंतीस साल आपको याद रखना है लगभग लगभग ठीक है और यहां पर देखेंगे तो कुछ छत्तीस के आसपास भी आपके लिए है कि टू वन नाइनटीन 89 और टू वन ना दोनों की वैसी, वैसी रहेगी अब अगर मैं बात करूं कि आपने करना क्या है तो भैया आपके लिए जो फीस है इसमें कितने लगेंगे? तो देखो जो रुपए लगेंगे एग्जामिनेशन फीस वो है पांच सौ रुपए जनरल कैटेगरी के, के लिए बाकी लोगों के लिए यहां पर ढाई सौ रुपए है आ रही है क्या बात समझ में तो पांच सौ रुपए का आपका इसका जो होगा फॉर्म फिल होगा मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होती है यूपीआई के माध्यम से होता है ये सब चीजें आप ध्यान दोगे इसके बाद आता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा समझें कि और चीज़ें कैसे हो सकती हैं तो यहाँ पर आना चाहिए हमें अब सिलेबस पे आ जाना चाहिए सिलेबस मैं आपको समझा रहा हूँ तब तो तक मैं आपको बता दूँ कि इसका जो सिलेबस होने वाला है ना आपने इस पर तीन चीज़ें तैयार करनी है रीजनिंग मैथ्स और जीएस ये तीन चीजें इस पूरे के पूरे एग्जाम में आती हैं और ये बहुत आराम से फॉलो हो जाता है इस पूरे नोटिफिकेशन को जब आप देखेंगे तो आप यहां पर आते हैं तो आपको मैं जो सिलेबस बता रहा हूं उस पर मैं बात कर रहा था तो ये रहा वो सिलेबस ध्यान से देखिएगा फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट मतलब जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उन सबके लिए ध्यान से देखना सौ क्वेश्चन आएंगे नब्बे मिनट मिलेगा सबसे मजे की बात है नब्बे मिनट में सौ क्वेश्चन मतलब हो सकते हैं ठीक जरनल अवेयरनेस के चालीस मिलेंगे मैथमेटिक्स के तीस मिलेंगे जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीज के तीस मिलेंगे इसका मतलब क्या है इसमें जीएस का वेटेज ज़्यादा होता है इस एग्ज़ाम में जीएस का वेटेज कितना है चालीस मार्क्स का तीस और तीस मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग तो यहाँ पर ये चीज़ें कवर हो जाती है आराम से पी पी डी पी डब्ब्ल्यू बी डी कैंडिडेट जो होते हैं डिसेबल्ड कैंडिडेट उनके लिए एक सौ बीस मिनट मिलते हैं वो कैटेगरी वाइज अलग अलग हो जाएगा यहाँ पर नब्बे मिनट में सौ सवाल आपने करने हैं बनाने हैं सौ सवाल तो आप आइडिया लगा लीजिए ठीक है ना बहुत आराम से हो सकता है जनरल अवेयरनेस बामुश्किल आप पंद्रह से पंद्रह से पंद्रह से चौबीस मिनट में आप उसको सॉल्व सकते हैं रेलवे के अगले आगे आगे की तरफ ठीक है सिलेबस वही फिर रीजनिंग का जो मैथमेटिक्स का जो आपको उत्तराखंड में एसआई का सिलेबस मिल रहा है या किसी भी एग्जाम में लोअर में मैथ्स वहां के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी इस एग्जाम की वजह से तो लगे रहोगे तो बामला एग्जाम निकलेगा फिर आता हूं सेकेंड स्टेज में पंद्रह गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा जितनी वैकेंसी होगी आरआरबी के अकॉर्डिंग ठीक है ना यहाँ पर लिखा हुआ एस पर आरआरबी मतलब हर आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आप अप्लाई करेंगे जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ बोर्ड से कर रहे हैं अजमेर से कर रहे हैं ठीक है और आप अहमदाबाद बोर्ड से कर रहे हैं आप बिलासपुर बोर्ड से कर रहे हैं तो ऐसे अब मैं आता हूँ यहाँ पर अब थोड़ा सा सेकंड जो स्टेज सीबीटी है वहां पर मामला देखना फिर से जीएस का वेटेज ज़्यादा रहेगा जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की है मैथमेटिक्स 35 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 टोटल 120 120 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा भाई 90 मिनट मिलेगा आ रही है क्या बात समझ में ये हो जाएगा सेकेंड ईयर ठीक है इसमें मिलेंगे नब्बे नब्बे मिनट एक सवाल करने के लिए अब आता हूँ आगे मैं आगे बात कर रहा हूँ तो भैया इसके बाद फिर क्या हो जाएगा सिलेबस वही सिलेबस बिल्कुल सेम मेंस का सिलेबस वही है बस नंबर ऑफ क्वेश्चन में आ जाएगा फर्क फिर इसके बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो लोग जो लोग अगर क्लरिकल पोस्ट के लिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे वो करेंगे टाइपिंग और जो लोग और जो लोग स्टेशन मास्टर के लिए जाएंगे वो लोग देंगे एक जर्नल साइको टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट उसको भी आप समझ लीजिए बहुत आराम से होता है क्योंकि स्टेशन मास्टर की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है वहां पर ठीक है तो अब इस तरह का ही पूरा नोटिफिकेशन है उसके बाद देखो यहां पर लिखा हुआ है किस, किस के लिए सेकेंड स्टेज सी बी डी तो सबके लिए कॉमन है यहाँ पर स्किल टेस्ट देखो गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कोई नहीं है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल पांच की पोस्ट है टाइपिंग टेस्ट होगा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इसके लिए स्किल टेस्ट होगा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर इसके लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है स्टेशन मास्टर के लिए क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट है तो यहाँ पर था ये थर्ड टीयर जिसको आपको क्वालिफाई करना है तो बड़े ही मज़ेदार बात है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा हाउ टू अप्लाई ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है जो कि बेसिक है ये पूरा नोटिफिकेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने बिना रुके ठीक है चलिए आइए फोटोग्राफ वगैरह लगेगी तो वो भी मैं बता देता हूं आराम से घबराने की जरूरत है तो इस साइज में आपने फोटो लगानी है यहां पर से देखेंगे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वो इसी साइज की एक्सेप्ट करेगा दूसरे साइजों की नहीं करेगा ना सेट कलर टू ट्रू कलर है ना सही है एकदम कलर होना चाहिए इस तरीके से दिखाया गया इसके बाद बात करता हूं मैं आपकी कि आपको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड लेना है और सब कुछ जैसे जो प्रोसेस आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम में मॉडर्न टाइम पीरियड में यह है उन आरआरबी की वेबसाइट जहां पर जाकर के आप अप्लाई करना चाहते हो बहुत सारे लोग अलग अलग एग्जाम में देना चाहते हैं जैसे जिस जिस सेंटर में जाकर के जहां पर आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए जो बोर्ड आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप उस बोर्ड से अप्लाई कर सकते हो मैं आपको बोर्ड वाइज भी वैकेंसी थोड़ी सी दिखाना चाह रहा था लास्ट एक बोर्ड में दिखाता हूँ जैसे की रहेगा ना तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फटाफट कहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ मैं बताऊँ आपको तो ये आप देखिए थोड़ा सा कि इस बोर्ड के अजमेर आना चाहिए था यहाँ पर अजमेर चलिए यहाँ से शुरू करते हैं ये रहा आपका पहला बोर्ड अहमदाबाद है अजमेर में ढूंढ रहा था। पहला बोर्ड अहमदाबाद तो ज़रूरी नहीं आप अहमदाबाद से करें आपका जहां मन हो है ना आपको गुजरात पसंद है आप गुजरात जाइए क्या दिक्कत है बहुत लोग गुजरात रहते हैं हमारे जानने वालों में तो गुजरात जाना है गुजरात जाइए अहमदाबाद में क्या है भाई वैकेंसी का सीन तो स्टेशन मास्टर बत्तीस क्योंकि सबकी फेवरेट स्टेशन मास्टर देखने के बाद ही इंसान वहां पर का फॉर्म भरता है क्योंकि भैया ये है या दूसरी पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर सिक्सटी वन तो आप अहमदाबाद से भर दीजिए अगर अहमदाबाद नहीं आपको ठीक लग रहा है आपको अजमेर जाने का अजमेर से भर दो तो इस तरह से सभी आरआरबी की जो वैकेंसी है वो पूरी लिस्ट है मैं इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश पर भी डाल दे रहा हूं ये एक अच्छा मौका है कि जब आप रीजनिंग मैथ्स अच्छी कर सकते हैं जीएस को भी कर सकते हैं और इस जो ये फॉर्म आया हुआ है जो अपॉर्चुनिटी एक जॉब की इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं मैथ्स वाले तो जरूर अप्लाई करें उत्तराखंड के लिए एस SI के लिए अगर तैयारी कर रहे हो जरूर अप्लाई करना है आपने उत्तराखंड से जुड़ी हर सरकारी नौकरी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद